हेलो बच्चों। सो ये मेरा सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर फोर्थ का। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने डायलैक्टिक सब्सटेंस यानी परावर्तित पदार्थ के बारे में पढ़ा, जो कि दो प्रकार के थे, दो टाइप्स के थे, पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस, ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ। अब इसके बाद जो मेन चैप्टर का पार्ट है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, मतलब चालक की धारिता क्या होती है, वो अपने को समझनी है। तो हम क्या करें, हमारे पास कोई चालक है, और चालक जैसे समझिएगा मेरे पास कोई चालक है इस तरीके से, ठीक है ना, और चालक को मैंने बहुत सारा आवेश दिया। तो आवेश देने के बाद ये चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसको आवेश देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्ज को लीक करना स्टार्ट कर देगा। चार्ज को लीक करने का मतलब है कि आवेश को और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा, संग्रहित नहीं कर पाएगा, और अपने आसपास की गैसेस को चार्ज देना स्टार्ट कर देगा, और उनको जो है आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा। आयनाइज करने का मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कैथोड रे ट्यूब के अंदर देखते थे। उसी तरीके से हम इसी के अंदर जो चालक की धारिता है उसके अंदर हम यही बोलते हैं कि आप किसी भी चालक को जितना अधिकतम आवेश देख सकते हो उसको अपन बोलते हैं चालक की धारिता, मतलब जितना ज्यादा आवेश संग्रहित कर सकता है, जितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम चार्ज, उसको अपन बोलते हैं उसकी धारिता है, उसकी कैपेसिटेंस। अब जो चालक की जो धारिता है उसको निकालने के लिए अपने को एक रिलेशन पता होना चाहिए कि आवेश जो होता है विद्युत रूपांतर के सीधे सीधे समानुपाती होता है। मतलब अगर आप किसी कोई चालक है, चालक परत है, और अगर आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर, क्या बोलते हैं इसको, अपन ने क्या कर रखा है, किसी ने किसी बैटरी से अटैच कर रखा है, तो अगर आप बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो इसके ऊपर चार्ज का अमाउंट, जो आवेश का जो अमाउंट है, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे रिलेशन अपने को मिला कि क्यू सीधे सीधे किसके समानुपाती होता है, वी के, ठीक है। जब अपन यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को हटाते तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या फिर चालक की धारिता। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास सी का एक फॉर्मूला मिल रहा है, सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी। अगर यहाँ से मैं इसकी यूनिट यानी इसका मात्रक निकालने जाऊंगा तो क्यू जो है उसको अपन कूलाम में और वी को अपन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो यूनिट है वो निकल गया है कूलाम वोल्ट इनवर्स, यानी कूलाम प्रति वोल्ट, ऐसा भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसके बाद देखेगा इसकी जो ऐसे यूनिट होती है होती है फैरड, लेकिन फैरड जो होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो इसलिए अपन इसकी छोटी यूनिट माइक्रो फैरड, पिको फैरड, नैनो फैरड या माइक्रो फैरड, इन सब का अपन यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर माइक्रो की 10⁻⁶, पिको की -12, नैनो की -9 और मिली की हमारे पास हो जाएगी, ये मिली है, स्मॉल स्मॉल एफ एम एफ का मतलब है मिली फैरड, इसका मतलब हो गया 10⁻³। जनरली जो आपको वो मिलते हैं कैपेसिटर मिलते हैं, कैपेसिटर के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, वो हमारे पास जनरली माइक्रो फैरड के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा कि हमारा जो रिलेशन है क्यू और वी में, क्यू और वी में कैसा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो अगर मैं क्यू और वी के बीच में कर्व ड्रॉ करूंगा तो क्यू और वी के बीच में जो कर्व ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास, वो कैसे ड्रॉ होगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होगा, इसकी जो ढाल होगी वो क्या देगी, मैंने आपको बता रखा है जो ढाल है वो कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी वाई में परिवर्तन अपॉन एक्स में परिवर्तन। तो वाई में परिवर्तन आपके पास क्यू, एक्स में परिवर्तन आपका वी, और क्यू अपॉन वी आपको देता है सी, यानी इसकी जो ढाल है आपको क्या देगी, वो देगी आपको कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर यानी चालक की धारिता। सपोज मैं आपके पास दो एंगल बना, ये दो मैंने चालक बना दिए ए और बी, तो जिसका कोण ज्यादा उसके लिए धारिता का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी सी बी की वैल्यू सी ए से ज्यादा होगी, उसकी कैपेसिटेंस भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। एक दूसरे केस के बारे में कंसिडर अपन करते हैं। इस बार मैंने लिखा है कि वी ऊपर है और क्यू नीचे, तो अगर वी ऊपर है और क्यू नीचे है तो इस बार हमारे को जो ढाल मिलेगी वो मिलेगी 1/c, यानी इस बार आपकी जो ढाल है जो स्लोप वो क्या बता रहा है आपको, 1/c। तो एक क्वेश्चन मैंने बताया जैसे इसके अंदर वी ऊपर है क्यू नीचे, तो इसके अंदर जितका कोण कम होगा उसके लिए चालक की धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ढाल जो है क्या बता रही है, 1/c। लेकिन दूसरी तरफ मैंने क्यू ऊपर बनाया, वी नीचे बनाया, तो इस बार आपको ढाल क्या देगी, सी ही देगी, तो इस बार आपके लिए इसका स्लोप ज्यादा होगा, उसके लिए चालक की धारिता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको ये समझना है कि अगर हमें ढाल जो है वो सी मिलती है तो उस केस में जिसका कोण ज्यादा उसके लिए चालक की धारिता भी ज्यादा, जैसे इस केस में हो रहा था। लेकिन अगर आपको जो स्लोप है, जो ढाल है, मिलती है 1/c, तो जिसके लिए कोण का मान कम होगा उसके लिए चालक की धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके बाद आते हैं इसकी डायमेंशन पे, यानी इसकी विमा के ऊपर। निकालना बहुत आसान काम है, इसके लिए आपको क्यू और वी की विमा पता होनी चाहिए। तो क्यू जो है जिसको अपन कूलाम में मेजर कर रहे हैं उसको अपन लिखते हैं एम्पेयर इनटू सेकंड, तो एम्पेयर के लिए ए1, सेकंड के लिए हमारे पास जो आएगा टी1। इसके बाद हमारी जो वी है उसकी डायमेंशन अपन, यानी जो विमा पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एम1 L2 T-3 A-1,
तो इसकी जो फिल्म हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, m-1, l-2, t-4 और a2। सो ये हमारे पास इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई, इसकी फिल्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे अपने को एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि चालक की धारिता, जैसे मैंने आपको बोला कि जो सी का फॉर्मूला होता है बराबर होता है क्यू अपॉन वी के, तो चालक की धारिता कहीं पर भी क्यू और वी पर निर्भर नहीं करती। यानी अगर आप क्यू के मान को बढ़ाओगे तो वी का मान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर सके, संतुलित कर सके, लेकिन सी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब चालक की धारिता जो होती है वो क्यू और वी पर निर्भर नहीं करती, नहीं उस पर नहीं करती, तो किस पर करती है? चालक की धारिता किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो होती है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला उसका ओरिएंटेशन, मतलब उसका ज्यामिति कैसे, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल कैसा है, उनके मध्य की दूरी क्या है, ये सब अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा डाइलेक्ट्रिक सेप्शन, चाहे उसमें हमने कौन सा परावर्तित पदार्थ भर रखा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अपन बाद में स्टडी करेंगे। यहाँ पे अपने को वन फैरेड को डिफाइन करना था, जैसा मैंने आपको बोला कभी भी अपने को यूनिट डेफिनेशन देनी हो किसी भी की भी एक क्या बोलते हैं एकांक मात्रक की डेफिनेशन देनी हो, अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, तो आप क्यू को भी कितना कर दो 1 कूलम और वी को भी कितना कर दो 1 वोल्ट। तो अगर आप किसी भी चालक को, किसी भी कंडक्टर को 1 वोल्ट देते हो और उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना हो जाता है 1 कूलम, यानी आपने किसी भी कंडक्टर को 1 कूलम 1 वोल्ट तक चार्ज किया और उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आ गया, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 1 फैरड। हिंदी के अंदर अगर आपने किसी भी चालक को 1 वोल्ट तक वो कराए, 1 वोल्ट तक आवेश करा और उसके ऊपर 1 कूलम आवेश आ जाता है, तो उस केस के अंदर उसकी जो धारिता है वो कितनी हो जाएगी 1 फैरड। आगे देखते हैं, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि किसी चालक को 1 कूलम तक आवेश किया जाए विद्युत विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो तो धारिता कितनी हो जाएगी 1 फैरड हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन किसी चालक की धारिता निकाल रहे हैं, किसी भी गोलीय गोलीय कोश की समझ लीजिए या फिर क्या बोलते हैं कोई चालक गोला समझ लीजिए, दोनों ही केसेस में जो आवेश हो किस पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सतह पर। बस अपने समझना है कि विलगत गोला है, इंसुलेटेड वो है, तो यानी आप इसको इस तरीके से किसी स्टैंड पर रख दीजिए, मतलब आसपास कोई भी कंडक्टिंग मीडियम आपका नहीं होना चाहिए जिससे चार्ज को ले सके। फाइन, तो किसी तार तरफ से किसी न किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से यानी किसी न किसी क्या बोलते हैं विलगित चीज से, अचालक चीज से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो हमने जो सी का फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा क्यू बाय वी, एक क्या बोलते हैं विलगित गोले के लिए सतह पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का नाम मान जो है पिछले चैप्टर में निकाला था वो था KQ अपॉन R, जहाँ पे R इसकी त्रिज्या है। तो इस फॉर्मूले की वैल्यू जो अगर तुम यहाँ पे रखेंगे तो क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा R बाय K। अब K की जो वैल्यू होती है वो होती 1/4πε0, तो 1/K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी 4πε0। बस इसको यहाँ पे रखने के बाद हमारे को जो फॉर्मूला मिलेगा मिलेगा सी इक्वल्स टू 4πε0 × R। ठीक है, अगर हम इसकी बजाय कोई और मीडियम लेते हैं, मतलब इसके चारों तरफ कोई ऐसा परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं जिसका परावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन आर है या के है, तो उस केस में परावैद्युत जो हमारी संधारिता जो है जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी 4πε0 × R, जहाँ पे एप्सिलॉन के लिए किसके इक्वल है εo × εr के इक्वल। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं किसी माध्यम के अंदर जो परावैद्युतांक सॉरी जो हमारी धारिता होती है वो निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन आर गुना होती है। रिलेशन हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे फोर्स में अपने ये पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ने पढ़ा था, यानी बल के अंदर पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे अपन ने पढ़ा था। अपन क्या करें, अपन अर्थ की कैपेसिटेंस यानी पृथ्वी की धारिता निकालना चाहते हैं। पृथ्वी की जो रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, 63 समथिंग होती है, लेकिन अपन इसको 6400 किलोमीटर लिया, इसको अपन ने मीटर में कन्वर्ट करा तो हमको मिला 6.4 × 10^6। अब अगर इस फॉर्मूले में ये जो मेरे पास फॉर्मूला था इसके अंदर आर की वैल्यू में रख दूं तो मेरे को यहाँ पर पृथ्वी की जो धारिता मिलती है वो लगभग मिलती है 711 माइक्रोफेरेड। अब देखिए पृथ्वी सबसे बड़ा कंडक्टर है, सबसे बड़ा चालक है इस पृथ्वी पर, पृथ्वी खुद ही सबसे बड़ा चालक है और उसकी धारिता आ रही है 711 माइक्रोफेरेड, जो कि अपने आप में बहुत 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 कम है। यानी इसको यानी अगर हम किसी भी चालक को बहुत ज्यादा आवेश देना चाहते तो नहीं दे पाएंगे उसकी धारिता। जब अर्थ की धारिता यानी अर्थ की कैपेसिटेंस इतनी निकल रही है तो और चालकों की तो बहुत ही कम निकलेगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या बोलते हैं हटाने के लिए हम एक डिवाइस बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं कैपेसिटर, जिसकी डिस्कवरी हुई थी बाद में इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हिंदी में इसको बोलते हैं संधारित्र, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन संधारित्र। तो आपको दोनों चीजें समझनी है, संधारित्र एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होती है, जबकि धारिता उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक उसका एक गुणधर्म होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।